friends, welcome to my channel, and in this video I'm going to talk about how you can prepare for UGC NET in 4 months. Now people ask me ki 120 days mein kya syllabus cover karna, notes banana, revise karna and paper clear karna possible hai. So guys, I would like to tell you that yes, it is possible. Okay, agar aapke andar passion hai, dedication hai and you know how to make a proper strategy, then nobody can stop you from clearing NET in 4 months. Also at the same time, always remember this thing guys, that you know, kahin na kahin is puri 4 months ki preparation mein aap khud ko motivated rakhiye. Okay, law of attraction is a beautiful thing. I am a big follower of Rhonda Byrne's The Secret. It's a book. If you guys are interested to know how the mind functions and how to keep yourself motivated and how to attract whatever you think, then you must buy that book. It's by Rhonda Byrne, The Secret, available on Amazon, Flipkart and all other online marketing sites. Also at the same time, now let's move on and focus on the strategy that you guys should adopt in order to clear NET in 4 months. The first thing is that you need to make your own syllabus. You must know aapko kin writers ko padhna hai in 4 mahine mein, kin writers ko aap skip karenge. Because I've seen this thing in so many people ki wo log ek cheez ko pakad ke padhte jate hain, then at the end of 3 months or 4 months they realize ki bahut sare topics humne chhod hi diye, hum padh hi nahi paaye because hum ek hi topic ko bahut zyada detail mein padh rahe the. Isliye it is important कि आप अपना एक सिलेबस डेवलप करें. मैंने जब अपने यूजीसी नेट की तैयारी करी थी, सो मैंने एक चीज देखी थी कि कहीं भी एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ राइटर्स नहीं है, एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स नहीं है जो एक स्टूडेंट को पढ़नी है इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जाम. सो मैंने अपना एक कस्टमाइज लिस्ट ऑफ राइटर्स, एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाया जो मेरे ऑनलाइन कोर्स में भी मैं जिससे पढ़ाती हूँ. यू कैन हैव अ लुक एट दैट लिस्ट ऑफ राइटर्स ऑन माई वेबसाइट www.arpitakarwa.com एंड यू फाइंड ऑल द इम्पॉर्टेंट राइटर्स, ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू मस्ट कवर इफ यू वॉन्ट टू क्लियर यूजीसी नेट. सो उन राइटर्स, उन टॉपिक्स को देखने के बाद आप अपना सिलेबस बना सकते हैं. आप अपने राइटर्स पिक कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप कवर कर पाएंगे 4 मंथ्स में. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मेक अ डेली शेड्यूल. गाइस, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो अब से 4 मंथ्स रोज एक चीज बना लीजिए अपने दिमाग में कि रोज सुबह आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आज मुझे क्या क्या चीजें अपने सिलेबस में से कवर करनी है. जो सिलेबस आपने बनाया है उस सिलेबस का एक पोर्शन आपको रोज लेके उसे कवर करना है, उसके नोट्स बनाने हैं. नोट्स कैसे बनाने हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोज बना चुकी हूँ. कोई भी राइटर अगर आप पिकअप कर रहे हैं उस दिन पढ़ने के लिए तो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या क्या पढ़ना है. ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन थिंग्स यू मस्ट रीड अबाउट अ राइटर, देन आई हैव मेड अ वीडियो ऑन थिंग्स यू मस्ट रीड इन अ समरी ऑफ अ नॉवल, प्ले और पोयम. सो जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस से, तो जरूरी है कि आप ये याद रखें कि क्या वो सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो आपने इंक्लूड करे हैं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है यूजीसी नेट एग्जाम में. सो सबसे पहले हमने देखा कि हमें अपना एक सिलेबस बनाना है जो हम कवर कर पाएंगे 4 मंथ्स के अंदर. बिकॉज मैंने जो सिलेबस अपने ऑनलाइन कोर्सेज में मैं पढ़ाती हूँ, दैट्स अ वेरी डिटेल सिलेबस, उसमें मैं कुछ भी नहीं छोड़ती. आई कवर ऑल दी इम्पॉर्टेंट थिंग्स. बट अगर आप अपने एंड पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने एंड पे नोट्स बना रहे हैं, तो आप उतना डिटेल में कवर नहीं कर पाएंगे. सो आप उनमें से कई चीजों को छोड़ के कुछ कुछ टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं और बाकी चीजें इनकॉर्पोरेट करके अपना सिलेबस बना सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज, जब आपने सिलेबस बना लिया तो डेली एक टू डू लिस्ट बनाइए जिसमें आपको पता होना चाहिए कि उस सिलेबस का क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप उस दिन कवर करेंगे और उसे अकॉर्डिंगली पढ़ना स्टार्ट करिए. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप ये पढ़ना चालू कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर एवरी 6 डेज टेक अ डे ब्रेक, जिस दिन आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे बल्कि जो 6 दिनों में आपने पढ़ा है उसे आप रिवाइज करेंगे. बिकॉज नेट की जब आप प्रिपरेशन करेंगे गाइस, तो आप ये देखेंगे कि आप इतनी सारे नए राइटर्स, इतने सारे नए नॉवल्स पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं एक बार में आपका दिमाग रजिस्टर नहीं कर पाएगा. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम दिमाग को बार बार उन चीज से एक्सपोज करें. दैट इज कॉल्ड मेयर एक्सपोजर इफेक्ट इन साइकोलॉजी, कि जब आप बार बार एक ही चीज को पढ़ते हैं तो आप उस चीज को बहुत जल्दी याद कर पाते हैं और वो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहती है. सो इन 3 स्टेप्स को भी अगर आप फॉलो करते हैं, अपना सिलेबस बनाते हैं, डेली उस सिलेबस से एक पार्ट स्टडी करते हैं जैसे मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है उन गाइडलाइंस के थ्रू, एंड नंबर 3, एवरी संडे को आप अगर रिवाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि 4 मंथ्स में आप काफी कुछ कवर कर पा रहे हैं. इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट चीजें और याद रखनी है आपको.
First thing is keep yourself time bound. I've seen this thing ki jab main unko bolti hu ki aap mere module mein se kuch writers pick up karke khud study kariye, to wo log 6 writers ya 10 writers ek din mein pick up karte hain, aur jab wo pick up karte hain to wo dekhte hain ki first writer pe unhone 3 ghante laga diye, baki writers ko unhone 10-10 minute mein karke chhod diya. So that never works guys. Isliye har writer ke liye ek specific time set kariye apne dimag mein ki ye writer ko main itni der mein complete karunga, jisme main uski biography bhi padhunga, jo major works hai unki summaries bhi padhunga, jo important references ya quotations hai wo bhi padhunga. Ye tabhi possible ho payega jab aap apne dimag ko ek proper time denge ki itni hi der mein mujhe ye cheez padhni hai. Ise psychology mein ek bahut important principle kaha jata hai ki work expands according to the time available, ki jitna time hai utni der mein wo kaam hoga. Agar aap ek cheez ko padhne ke liye 10 ghante lenge to aap 10 ghante mein us cheez ko padh payenge, wahi agar aap apne dimag ko bolenge ki mujhe ye cheez 2 ghante mein padh ke aage badhna hai, to aapka dimag 2 ghante mein bhi utni hi energy aur efficiency se padhega jitni एफिशिएंसी से वो 10 घंटे में पढ़ रहा था. सो वही काम जो 10 घंटे लगा के आप कर रहे थे, वही काम आप 2 घंटे में भी कर सकते हैं. सो टाइम बाउंड रखिए कि अगर आपने सेट किया है कि मुझे इस राइटर पे 1 घंटा ही देना है, तो 1 घंटे बाद वो राइटर आपका कंप्लीट होके आप नेक्स्ट राइटर पे पहुंच जाने चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप योर मटेरियल्स लिमिटेड. गाइस मैंने एक चीज बहुत देखी है कि लोग अपनी घर को अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी बना देते हैं. जब भी वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, सब तरफ से नोट्स इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सारी बुक्स ले आएंगे, एंड दे विल इन्वेस्ट सो मच. बट बात ये होती है फ्रेंड्स कि क्या आप उसका 1/4 भी पढ़ पाते हैं एग्जाम तक. ओके, सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए. अगर आप एक इंपॉर्टेंट वर्क की समरी पढ़ रहे हैं तो 1 या 2 साइट से ज्यादा से मत पढ़िए. मैंने जब प्रिपरेशन करी थी, आई स्टडीड इट फ्रॉम 6-7 साइट्स, बिकॉज मैं पढ़ रही थी इस पर्सपेक्टिव से कि मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मुझे सारी नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में. बट क्योंकि आपके पास टाइम कम है, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 1 या 2 साइट से पढ़े एंड आगे बढ़ जाए. जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आप वो 1 या 2 साइट्स में आप टकरा जाएंगे. कई चीजें होगी जो नहीं टकरा पाएंगे. अगर आपको लगता है आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, यू कैन ज्वाइन माय ऑनलाइन कोर्स. बट देन अगर आपको लगता है आप अपने एंड पे कर सकते हैं, अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि 1 या 2 साइट से ज्यादा से एक चीज मत पढ़िए. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम र्यूमर्स एंड गॉसिप्स. गाइज अभी यूजीसी नेट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं रिसेंटली. केम अप विद दिस न्यू नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन. पेपर के पैटर्न्स इन्होंने चेंज कर दिया है, थर्ड पेपर को हटा दिया है, प्लस इन्होंने नया ड्राफ्ट एपीआई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है. सो ये सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है कि वो सब कुछ पढ़े, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें. बट एक चीज समझिए फ्रेंड्स, आप इन सब चीजों में इतना उलझ के रह जाएंगे कि कहीं ना कहीं आप नेट की प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे. दो चीजें तो कंफर्म है. नंबर 1, सिलेबस में चेंज नहीं है. डिटेल नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा गया है कि जो सिलेबस पहले पेपर 2 और 3 में कंबाइंडली था, वो सिलेबस, सेम सिलेबस अब पेपर 2 में आएगा. सो कोई भी नई चीज ऐड नहीं हुई है, कोई भी चीज एक्सक्लूड नहीं करी गई है. सेकेंड थिंग, नेट अभी भी मैंडेटरी है. इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एपीआई स्कोर, बाकी चीजें ऐड हुई है जो अभी ड्राफ्ट में चल रहा है, जो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट नेट अभी भी मैंडेटरी है. सो अभी 4 महीने सिर्फ नेट पे फोकस करिए, उसके बाद यू कैन गिव टाइम ऑन हाउ यू कैन यू नो इंक्रीज योर एपीआई स्कोर. आप और ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका सीवी और बेटर बने. बट अभी 4 महीने सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तभी आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप एक बार में नेट क्लियर कर पाएंगे. ऑल्सो अगर आपके आसपास ऐसे कोई भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, जो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करते हैं, तो प्लीज उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए इन 4 महीने में और फोकस करिए पढ़ाई के ऊपर. बिकॉज आपके लिए अभी जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो है आपका टाइम. टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टाइम एंड एनर्जी अगर आपकी ज्यादा रहेगी, तभी आप देखेंगे कि आप बहुत प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ पाएंगे. सो इन तीनों चीजों का ध्यान रखिए. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, एंड ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी अपने यूजीसी नेट प्रिपरेशन में. इफ यू वॉन्ट टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियोज, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल. एट द सेम टाइम यू कैन राइट एनी क्वेश्चन, एनी कॉमेंट्स दैट यू हैव इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. यू कैन गो टू माई वेबसाइट www.arpitakarwa.com. यू फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट राइटर्स, ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट यू मस्ट कवर. इफ यू लाइक दैट लिस्ट, यू कैन ज्वाइन माई ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो.
At the same time, there are people who want to know about my work experience, my educational background, my UGC NET certificate. So everything is available on my website. The link is given in the description box below. You can also drop a message on our WhatsApp number, which is displayed below. And we'll keep you updated about our new batches and recent updates about UGC NET exam. So till the time we meet next, bye-bye, happy learning, and keep loving literature.